कश्मीर में मजबूर सरकार आतंकवादियों को बुला के नाश्ता करा के प्रधानमंत्री से वार्तालाप कराती है और मोदी जी की मजबूर सरकार कश्मीर में आतंकवादियों को गिरफ्तार करती है और धारा 370 को धाराशाही कर देती है। ये अंतर आता मित्रों, मजबूर सरकार में हर दिन भ्रष्टाचार होता है, टीचर भर्ती घोटाला, क्लर्क भर्ती घोटाला, मंत्रियों के घर से नोट के जखीरे निकलते हैं। पार्था बाबू मालूम है ना आपको? मालूम है ना? ये नोट के जखीरे निकलते हैं नोट के, और मोदी जी के राज में होता, ये हमारी सरकार। इसलिए मजबूत सरकार और मजबूर सरकार में हमको अंतर समझना पड़ेगा। पहले घरों में बिजली नहीं थी, बिजली, नो इलेक्ट्रिसिटी, और मजबूत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में आज 18,000 गांव में बिजली पहुंची और 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कोई बिजली के बगैर नहीं है, सबके घर में बिजली है। और मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, सुभाष सरकार को जिता देना, ज्योतिर्मय मंडल को जिता देना, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आपकी बिजली का खर्चा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, कोई बिजली का बिल नहीं। हम मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं और मजबूत सरकार चलाना, और ममता जी और ये इंडी गठबंधन के लोग मजबूर सरकार चाहते हैं, मजबूर सरकार। बोलो, मजबूत सरकार चाहिए ना? मजबूत सरकार चाहिए ना? लाचार सरकार नहीं चाहिए ना? ममता दीदी घुसपैठियों के साथ समझौता करते हैं, टेररिस्टों को आतंकवादियों के साथ मुलायम रहते हैं, आतंकवादियों को पनाह देने वालों को ममता जी पनाह देती है, और मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को उनके छक्के छुड़ा देते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है पीएम सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना, हर घर पर 100 रुपया लगेगी, हर घर पर सरकार लगाएगी और आपको 100 रुपया की बिजली मिलेगी, और जो बिजली आप खर्च करने के बाद बच जाएगी वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको उसकी आमदनी हो जाएगी। ये अंतर आ गया। मित्रों, पिछले 10 साल पहले, गांव
पहुंचाया है, हर घर नल हर घर जल। पहले हमारे को अन्न नहीं मिलता था, आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ की जनता 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रही है। ये तो जन समुद्र है, गए হাঁসডিমার মতো একটা ছোট জায়গায় সেখানে এত মানুষ এসেছেন, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির বড় প্রাপ্তি। যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি ভরসা করছে, ওই কয়লা চোর, বালি চোর, পাথর চোর, গরু চোর এদের ওপর কোনো ভরসা নেই। আর যারা মানে এইখানে কংগ্রেস সিপিএমের সঙ্গে লড়ছে, তারা দিল্লিতে গিয়ে ইন্ডি জোটাতে একসঙ্গে মানে পনির পকোড়া, ফিশ ফিঙ্গার সব খাচ্ছে। কাজেই এরা অসৎ মানুষ, এদেরকে পরিত্যাগ করেছে। কাজেই এই দুটি মানে লোকসভাতে, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে, ভারতীয় জনতা পার্টির 3 লক্ষের অধিক ভোটে জয়লাভ হবে। Bye.